कोविड-19 महामारी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जनपद गाजीपुर की बात करें तो जनपद गाजीपुर में अभी 2 दिन पहले पंचायत चुनाव खत्म हुआ है, तो वहीं 1 दिन पूर्व उसकी मतगणना भी खत्म हुई है, जिसमें लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के मामले का उल्लंघन होते हुए देखा गया है। ऐसे में आज गाजीपुर के गांव का रुख की और गांव के लोगों से जानने का प्रयास किया कि गांव में कोरोना महामारी की क्या स्थिति है। हमने मिश्रवलिया और फतेहपुर सिकंदर दो गांव में रियलिटी चेक किया तो यहां के लोगों ने बताया कि हाँ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई सुविधा उन्हें नहीं मिली है, लेकिन वो लोग अपना खुद बचाव कर रहे हैं, जिसके वजह से उनके गाँव में मौतों का आंकड़ा कम है और मरीजों की संख्या में भी बेहद कमी है। संक्रमित व्यक्ति भी बहुत ज्यादा गांव में मिले, तो आपके गांव में क्या स्थिति है इसको? हमारे गांव में ठीक स्थिति है, कोई कोनो ऐसा रोग नहीं है, कोई पेशेंट नहीं है? नहीं नहीं, मतलब एक तरह से ये माना जाए कि गांव आपका जो है कोरोना मुक्त है? जी, कोरोना मुक्त है। क्या स्वास्थ्य सुविधा के लिए क्या लोगों को मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रही है? अब जब जाएंगे वहाँ स्वास्थ्य विभाग, तब न जानेंगे कि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जब हम जा ही नहीं रहे हैं तो क्या आपको अभी तक जाने की किसी को नहीं सर, कोई नहीं। किस गाँव की बात कर रहे हैं सर? हम इस गाँव मिश्रोलिया की। अपना परिचय दे सर। हम अरुण कुमार श्रीवास्तव इसी गांव के नागरिक हैं। कौन से गांव? मिश्रोलिया गांव है, चंदन नगर कॉलोनी से। कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, आपके गांव में क्या स्थितियां हैं? हमारे गांव में तो अभी स्थिति ठीक है, लेकिन जिस तरह की खबरें मिल रही हैं इससे सभी लोग भयाक्रांत हैं, भयभीत हैं, दहशत में हैं और सभी लोग अपनी बचाव अपने से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सभी लोग बहुत डरे सहमे हैं और इस तरह की कोरोना महामारी जल्द से जल्द देश से ख़त्म हो या भगवान से सभी लोग प्रार्थना करें। मैंने ये माना जाए कि आप लोग जो है मतलब अपने आप को खुद सुरक्षित किए हुए, इसलिए आपके गांव सारे लोग जो है सुरक्षित? हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह से महामारी का विस्तार हुआ है, सरकार सबकी सुरक्षा करने में, सबको स्वास्थ्य लाभ देने में विफल साबित हुई है, तो लोग खुद ही जागरूक हैं कि हमें किसी का सहारा न लेना पड़े और स्वयं अपनी रक्षा कर सकें। अरुण जी, जैसा कि अभी पंचायत चुनाव बीता है, पंचायत चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग ने देखी थी, लोग एक दूसरे से सटकर रह रहे थे, तो क्या लगता है पंचायत चुनाव खत्म हो गया है और क्या अब क्या लगता है महामारी बढ़ेगी या सामान्य रहेगी? अब तो जिस तरह से लोगों की गैदरिंग हुई सोशल डिस्टेंसिंग का, निश्चित रूप से महामारी विस्तार फैलने की संभावना है और भगवान करे न फैले, हम लोग तो यही कामना करते हैं, लेकिन जरूर निश्चित रूप से कुछ न कुछ उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी कहा जाए कि कोविड महामारी पे भारी पड़ गया आपका चुनाव? हाँ, ये सरकार की नासमझी है। अब कोर्ट भी लगातार हिदायत देती रही, लेकिन कोर्ट ने भी पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया था सरकार को, सरकार भी कोर्ट के आदेश के सामने मजबूर थी। निश्चित रूप से आपस में तालमेल नहीं था, न्यायालय कुछ कहीं कुछ कह रही थी, सरकार कुछ कह रही थी, सरकार ने कोर्ट के आदेश के हिसाब से पंचायत का चुनाव किया, लेकिन एक राउंड दो राउंड तो ठीक था, लेकिन लास्ट में बहुत ही तेज़ी से फैला, तो निरस्त हो गया होता चुनाव तो निश्चित रूप से कुछ लोगों की जान बची होती। नाम बता दे अपना। हमारा नाम दीपक अरविंद है, जो हम ग्राम मिश्रोला से बाके हैं। दीपक, कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। जी सर। और चुनाव के दिन आप भी वोट किए ही होंगे? हाँ जरूर। बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, क्या होना चाहिए था और क्या व्यवस्थाएं दिखी? जो भी यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ से मतलब कि बहुत सकुलता से, बहुत निःशुल्क से जन सब लेके हुआ है काम, ठीक है। यहाँ पे महामारी की कोई बात नहीं है, इसलिए कि मतलब कि जो भी लोग हैं 2 गज की दूरी बना के अपना काम कर रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि मतलब कि यहाँ पे अभी कोई ऐसा मतलब कि बात सुनने को नहीं मिली है, ना कोरोना महामारी की ना कोई भी बात हो, ठीक है। आपके गाँव में जैसे जो महामारी चल रही है, तो क्या लोग कोविड से पॉजिटिव मरीज भी हुए? अभी तक तो कोई नहीं मतलब कि सुनाई दिया है, ना कभी दिखाया गया है, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो मतलब कि हम खुद सरकार से बोलेंगे या फिर जो भी मतलब कि हमारे निरीक्षण हैं उन लोगों से हम डायरेक्ट बोलेंगे कि मतलब कि हाँ ऐसी कोई बात है। हम लोग अपन नाम बता दो। हमारा नाम है राम भवन बिंद। कहाँ के रहने वाले हैं? फुल्लनपुर के निवासी हैं। गाँव फतेहपुर सिकंदर का। क्या स्थितियाँ हैं कोरोना को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना को लेकर तो भैया हम तो यही कहेंगे सर कि देखिए, कोरोना में इतने आदमी मर रहे हैं, इतने आदमी मर रहे हैं, वहाँ शमशान घाट पर जलाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, पर हमारे गांव में अभी तक तो 2 या 4 आदमी मरे हैं, बाकी कोरोना से नहीं मरे हैं, अपने बीमारी से मरे हैं। और ये भी है कि जो भी कोरोना वाले मरीज जा रहे हैं, ऑक्सीजन पहले नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन के लिए सिफारिश करना पड़ रहा है इनसे उनसे, मगर अब क्या बताएं इसके? क्या स्थितियां हैं आपके गांव में?
इस समय तो फिलहाल सही है, छिड़काव उड़काव तो होना चाहिए नहीं, ये सब नहीं हो रहा है, ये सब छिड़काव उड़काव नहीं हो रहा है। जो मतलब स्प्रे किया जाता है नाली वगैरह में, ये सब नहीं हो रहा है। अरे इसी तक नाली फाली देखते कुछ को छिड़काव लोग देखे व्यवस्था लोग बीमारी उमारी का स्थिति बा अब ठीक है चला था दो चार को मरला तो मैंने भाई हर जगह तो मरता जी बड़ा कुल को बात नहीं दो चार लोग मरला कैसे मर गई ना वैसा ही सर सासों से चाहे बुखार आ गया ऐसे तैसे में कुछ सुविधा मिल पाई कि ना स्वास्थ्य कौन से कौन कौन सुविधा मिलल बा उन लोग के घर के कौन सुविधा नहीं मिलल हमारे समय से इलाज खाते मिलल हाँ हाँ एम्बुलेंस आल है गए हाँ 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 मेरा नाम है क्या स्थिति बा तुम्हारे गाँव में कोरोना का क्या स्थिति बा कल के आदमी के जर बुखार आवता और कोनो सुविधा है ये नहीं खे कौन सुविधा अरे कहे ना सुविधा कौन गवर्नमेंट हमने के सुविधा दिले बा कि नहीं वही सुविधा से हमने का जियल जी कोनो स्वास्थ्य विभाग का टीम गांव में भ्रमण कैला ना नहीं इतना नाली में किचड़ा बाटे कोई दर दवाई कोई छिड़कावे नहीं।